आज हम लोगों को के साथ आर्मी से रिटायर हैं जो 1969 में ही ज्वाइन किए थे, जो आप लोग के सामने 1971 का युद्ध के बारे में कुछ बताएंगे। सर सर 1971 के बारे में बताइए कब क्या हुआ था? क्या हुआ था सर? 71 वाला में वही हुआ था लड़ाई, जो आपसे बताइए सर। सुजात से ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉगिंग हो रहा है, बोलिए। हट जाते हैं, सिकम में थे, सिक्किम में थे, वहाँ पर जो है ये चाइना नज़दीक था, इसलिए हम लोग जो है ना बॉर्डर की रक्षा करते रहते थे और नया जो है ना मोर्चा तैयार हो करते थे, नया नया बंकर कि कैसे हम लोग जो है ना सेफ रहें। तो दिन सवेरे हम लोग 8 बजे पर जाते थे, 8 बजे जाने के बाद में ये रात को आएगा चाइना आके जो है ना उसको प्रहार कर देता जी। हम लोग को यही काम मतलब होते रहा बहुत दिन तक, फिर मतलब कि बन गया, तैयार हो गया जी। वहाँ से एकदम चाइना जो है एकदम पता है जब कुछ होने वाला है, ऊपर से जो है हाई लेवल से जो है ना बड़े बड़े अफसर हैं वो जो है ना मतलब कि हम लोग को डिसीजन देंगे, हम लोग जो है हमारे यानी जो प्रधानमंत्री जो उस समय इंदिरा गांधी थे तो उनका जो भाषण यानी कि जो देश को संबोधन था वो आप लोग भी सुने होंगे, उसके साथ सतर्क हो गए होंगे सभी लोग। पूरा वहाँ पर बोले ना कि वो अमृतसर में जो हम लोग थे तो मतलब वहाँ पर इतना घना गोड शहर है, इतना हाई फाई शहर है और वो शहर में मतलब एक बत्ती तक नहीं जल रहा था, एक बत्ती तक बिल्कुल अंधेरा में रह रहा और एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। और उस मंदिर के अंदर में जो है जैसे आदमी जो है ना मतलब कि इस किस्म से जो है ना मतलब मर के पड़ा हुआ है, पटे हुए थे यानी कि गोली से हाँ मार दिया गया था। हाँ बाद में जो है ना वहाँ का स्वीपर जो है उठा कर दमकल में लेकर व्यास नदी दो ग्रुप था, भिंडर वाला और ये लुंगे वाला। तो वो उसमें दोनों का सामंजस्य बैठा था कि उसमें भी विरोध हो गया था, बाद में विरोध हो गया अरे वो तो मतलब कि ऐसी था ये आपको वो मंदिर जो है जी जी वो मंदिर से लेकर लाहौर तक पहले रास्ता था अंडरग्राउंड समझ गए ना। तो अंडरग्राउंड जो है ना मतलब ऐसी हो गया, बंद हो गया था, ये सब जो है ना मतलब कि चालू करने के प्रयास था और थोड़े के दिन में चालू ही कर देता था। और उस पर किसान से जो है ना पूरे हथियार गोला बारूद जो है ना भेजे रहता था, बहुत मतलब भयंकर रूप धारण कर गया था। एक बेटी बना रहा था, पानी का टंकी बना रहा था, वो टंकी के ऊपर जो है ना मतलब पूरा मतलब लूप होल खोदा हुआ था, तो किसने की मतलब फायरिंग के लिए यानी कि वो टावर की तरह यूज था, बहुत ये भी बड़ा तैयार पड़ा था, बहुत तगड़ा। ये पाकिस्तान वाला किया था, भारत का वो भिंडर वाला जो अमृतसर अमृतसर जो अथी वाला हो गया था, मंदिर वाला मंदिर में डूब के ब्लू ऑपरेशन करके जो चलाया गया बाहर के पार्टी जो ने करवा रहा था। अमेरिका जो ऐसे बोले नहीं कि धाजा में जो है ना वायरलेस लगा हुआ था, धाजा जब क्लियर हो गया मंदिर का जो धाजा ऊपर जो उसमें वायरलेस लगा था तो साय साय की आवाज आ रहा था, तो सिग्नल वाला देखा क्या चीज है तो उसको पकड़ा, तो फिर उसको जो है कनेक्शन को काटा गया है। और वो पहले मंदिर था, वो लगभग कितना के संख्या में होंगे उस समय वो लोग वो लोग जितना था टेररिस्ट था जो आतंकवादी था तो सब कहाँ मतलब इसी यहाँ का था, यहाँ के थे कि पाकिस्तान के, कुछ बाहर के भी था, पाकिस्तान से पाकिस्तान वाले सब था, अमेरिका के भी था, मतलब सब बाहर वाला भी करा रहा था। ये तो नहीं नहीं तो मरा है, उसके बाद ये ऑर्डर दी ना कि उसे घुस के मारना है मंदिर में जाने के लिए। वो तो पहले जब जिंदा थी तभी मतलब ऑर्डर मिल चुका था, तो उसी के विरोध में ये मतलब अच्छी हो गया ना, सब लोग गुस्सा हुआ था, बदमाश इंदिरा गांधी जो है सब गुस्सा हुआ था, सब बड़े बड़े नेता जो है ना मतलब बदमाश रखते हैं, वो जो है ना देखे कि अब हाथ से हाथ हो रहा है, अब
तो अब जो है ना मतलब ये यानी कहीं ना कहीं इन्हीं का लिंक था उसमें जुड़ा हुआ था, पूरे यही रखे थे। फिर बाद में जो है ना मतलब किस किसी का कांड हुआ तो ले लिया था, उन्हीं का गार्ड था। जिस दिन मारा गई उस दिन जो है ना पूरे पाकिस्तान जो जश्न मना दिवाली मनाया था। अच्छा, जब भी मर गई तो उस समय भारत में किस तरह का माहौल हो गया था? मतलब राजनीतिक उथल पुथल हुआ था, राजनीतिक माहौल तो था ही, मतलब पूरे स्ट्रिक्ट हो गया और स्ट्रिक्ट हो गया जो बच गया। फिर जो ये सिख समुदाय था ना पूरा भड़क गए थे, पूरा नहीं सिख समुदाय पर जो आम अन्य जनता था उस पर सब भड़के हुए थे। जो मान ले कि घर का जो मैंने आदमी जो मर जाएगा तो क्या हाल होगा, तो सब बिचौली टाइप होगा ही। मान ली मेन आदमी ही मतलब कि चला गया तब तक सब उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर वो सुधर जाता है। वैसे बिपिन रावत जो है ना आर्मी का चीफ जो है ना वैसे मतलब चले गए। हाँ, तो इंसिडेंट था एक मतलब मतलब उस वहाँ कभी कोई नहीं जाता था, वो जो है लेके चले गए। इसमें आप कितना दिन तक सर्विस में रहे आर्मी में? आर्मी में 17 साल 3 महीना रहे। 17 साल 3 महीना लिख के आ गए, नौकरी बाकी ही था तो हम लिख के आ गए। आने के बाद फिर कोयलरी में पकड़ लिए, तीन गो इंटरव्यू दिए, तीनों में नौकरी हो गया, दो बैंक में हो गया, कोयलरी में हो गया, तो कोयलरी में रह गए। इसमें भी मतलब कि एसएस दे के इसमें से भी आ गए, तो उसमें एसएस देने का कारण हुआ कि वो आदमी को कम कर रहा है और उसको लोभ दे रहा है घर बैठा के जो है ना मतलब, यानी सरकार का पॉलिसी अब हो गया। मिलता था तनखा जो है घर बैठा के देते रहा है, तभी तो पेंशन मिलता होगा आप लोगों को। पेंशन तो मिला है, युग यही है, हमारा ही पैसा काट के उसी का एंट्री देता है। आर्मी वाला जो है ना एक 26,000 सही। अब तो पेंशन सिस्टम ही बंद कर दिया है। हाँ, बंद कर दिया, लेकिन हम लोग को तो बंद नहीं ना करना, हम लोग तो लागू है तो लागू है, हम लोग तो अब लेकर ही जाएंगे। क्या पेंशन सिस्टम बंद करने की जरूरत थी? ये जो है ना, ये देखिए हम लोग आप लोग क्या सोचेंगे, सोचने वाले कुछ और हैं। अब ये अटल बिहारी जो है ना जितने जो चल रहा है ये सब वही जो है लकड़ी मार के गए, अब उसी आधार पर जो है ना ये होना है। अभी अभी क्या हुआ है, अभी और आगे चल कर और होने जा रहा है, जितना है सब जो है ना सब निजीकरण हो जाएगा। पेंशन मिलने के कारण जो रिटायरमेंट का एक आधार बनता था, बुढ़ापा का जो है ना, बुढ़ापा का लाइफ का जो है ना मतलब, घर में बच्चे लोग तो भी एक्सपेक्ट करते हैं, आजकल हम लोग रिटायर करेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं। पैसा मिला, पैसा जो है बाल बच्चे तो डिपार्टमेंट।